हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं वो सारे पैरेक्सियल रेंज के लिए डिराइव किए जाते हैं, है ना। जितने भी फॉर्मूले आप जानते हैं, जैसे कि मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, ये सारे जो हैं ये पैरेक्सियल रेंज के लिए डिराइव किए जाते हैं और उनकी जो थ्योरी है वो पैरेक्सियल रेंज के लिए ही वैलिड होती है। ठीक, तो ये पैरेक्सियल रेंज होते क्या हैं, है ना। बहुत सारा इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसलिए आज हम लोग पैरेक्सियल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पैरेक्सियल रेंज को समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, है ना। आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, ये वाला, है ना, वो किसी पॉइंट यहाँ पर, किसी पॉइंट एम पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाता है। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, आप यही जानते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग फोकस कहते हैं, है ना, यही हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पॉइंट सी है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने ब्लैक कलर का एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये जो लाइन है एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये इस मिरर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कह सकते हैं कि आई है, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई ही होना चाहिए। तो ये जो एंगल है इसको भी मैं लिख देता हूँ आई। ठीक, अब देखेंगे कि जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, है ना, जिसको कि ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो अल्टरनेट एंगल है ये अगर आई है तो ये वाला जो एंगल है ये भी आई होना चाहिए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट एफ है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, है ना, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। किस पर, ये जो सी एन लाइन है, सी एन जो सेंटर कर्वेचर से मैंने ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया है उस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। कहाँ से, ये फोकस है, ना, फोकस से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, और जहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ इस पॉइंट को सपोज मैंने कह दिया कि ये पॉइंट पी है ना, और या उसको कुछ क्यू कह देते हैं, ये जो पोल है मिरर का इसको मैं पी कह देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है अपने पास दो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, ये जो ट्रायंगल है क्यू एम और एफ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और साथ में एक और राइट एंगल ट्रायंगल है सी क्यू एफ। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक एंगल है आई, ये वाला आई है इसमें और ये वाला आई है इसमें, साथ ही दोनों में एक 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री ये है और इसमें 90 डिग्री ये है। ठीक, तो थर्ड एंगल जो है दोनों में इक्वल होगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल तो हो ही गए, है ना। अब हम देखेंगे कि एक साइड जो है क्यू एफ ये कॉमन है दोनों, यानी अगर साइड्स का रेशियो निकालें तो वो आना चाहिए 1:1, यानी साइड्स का रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक साइड कॉमन है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस सी एम है, सी एम, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एम जो है वो मिरर के सरफेस पर है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होना चाहिए, है ना। जो आर है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अगर सी एम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जैसे सी क्यू, जैसे मैंने कहा कि ये जो दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, साथ में उनके साइड्स का रेशियो 1:1 है, तो ये भी कहा जा सकता है कि सी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम,
मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल लेंथ का होना चाहिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल लेंथ का होना चाहिए, और ये दोनों में कॉमन है तो इक्वल तो है ही, है ना। तो अगर सी एम जो है वो आर के इक्वल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर के इक्वल है, तो सी क्यू जो है उसका आधा हो गया, क्योंकि सी क्यू और क्यू एम इक्वल है, तो सी क्यू जो है वो आर बाई टू और क्यू एम जो है वो भी आर बाई टू। मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ सी एफ, है ना। तो सी क्यू एफ जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मुझे सी एफ निकालना है ना। तो अगर सी एफ निकालना है तो कॉस आई का वैल्यू क्या आएगा इस ट्रायंगल में? कॉस आई का वैल्यू आएगा आर बाई टू डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस सी एफ, आर बाई टू डिवाइडेड बाई सी एफ। तो सी एफ का जो वैल्यू होगा वो आएगा आर बाई टू कॉस आई, है ना। सी एफ ये हो गया। अच्छा, हम लोग जो फोकस कहते हैं, ये पॉइंट एफ फोकस है, उसका पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? सी से पी तक, यानी सी सेंटर कर्वेचर है और पी पॉइंट पोल है, ये डिस्टेंस होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल। अगर आर में से सी एफ को माइनस कर दें तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ मैं यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है एफ, वो होना चाहिए पी एफ के इक्वल, पी एफ यहाँ से यहाँ, और ये जो डिस्टेंस है वो आएगा आर माइनस सी एफ, है ना। सी एफ का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया है आर बाई टू कॉस आई, है ना। तो ये रख देंगे आर माइनस आर बाई टू कॉस आई, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आई पर ये डिपेंडेंट है। इसका मतलब फोकस जो है वो एक पॉइंट पर तो नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो सारी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज, है ना, अलग अलग एंगल ऑफ पर इंसिडेंट होती है। जैसे मैं कहूँ कि एक दूसरा लाइट रे मैं जो पैरेलल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ से एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुआ है, अगर उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल यहाँ से आएगा ऐसे, है ना। ये आप देखेंगे कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे पोल के पास में जाएंगे, लाइट रेज पोल के पास में इंसिडेंट होंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता जाएगा, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाए, मतलब कि जो है 10 डिग्री से कम हो, जैसे 5 डिग्री 6 डिग्री हो, तो उस केस में कॉस आई का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लिया जा सकता है ना। हमने तो पढ़ा है कि फोकल लेंथ हमेशा आर बाई टू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है कि फोकल लेंथ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। तो ये जो गड़बड़ी है इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल हो जाए, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 10 डिग्री से कम हो, 6 डिग्री 7 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री ऐसे हो, तो उस केस में कॉस आई को अप्रोक्सीमेटली 1 किया जा सकता है। अब जैसे ही अप्रोक्सीमेटली ये 1 होगा तो उस केस में फोकल लेंथ हो जाएगा आर बाई टू, है ना। तो कह सकते हैं फॉर स्मॉल आई कॉस आई विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1,
सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू, दैट इज आर बाई टू। ठीक है, तो हम लोग जो जानते हैं कि फोकल लेंथ हमेशा आर बाई टू होता है, उसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं, टेंथ क्लास में पढ़ते हैं या कई बार ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती इतनी डिटेल में कि जो f इज इक्वल टू आर बाई टू है वो हमेशा वैलिड नहीं है। f इज इक्वल टू आर बाई टू तभी वैलिड है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा तो जितने भी लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं उनको पैरेक्सियल रेज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पढ़ते हैं कि f इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो इसके बारे में सोचते ही नहीं, मान कर चलते हैं, है ना, कि f इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, f इज इक्वल टू आर बाई टू तभी होगा जब लाइट रेज पैरेक्सियल होंगी। पैरेक्सियल होंगी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होगा, तभी f इज इक्वल टू आर बाई टू है। उसी तरह से जब आप मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जब आप लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होना पड़ेगा। छोटा होगा तभी वो फॉर्मूला आएगा जो हम लोग यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना, और लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये तभी वैलिड होते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना करके दिखाया है कि यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाए, मिरर के पास में जब इंसिडेंट होगा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे हमने ड्रॉ किया है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है लेकिन पोल के काफ़ी करीब जो है इंसिडेंट हो रहा है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो लगभग माना जा सकता है कि सारी लाइट रेज एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट जो है वो फोकस कहलाएगा। ठीक है, हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डिपेंड करता है फोकस, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री से कम हुए, 4 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री, तो आई कैप में थोड़ा सा चेंज भी होगा तो भी फोकस चेंज नहीं होगा, उस चेंज को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लगभग एक ही पॉइंट पर आएगा, है ना। तो उस केस में कह सकते हैं कि सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर फोकस होंगी। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, है ना, यहाँ से एक चीज और आपको पता चली कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो सारे पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर जो है वो फोकस नहीं करता, है ना। बहुत सारे लाइट रेज ऐसी होंगी जो पोल से दूर इंसिडेंट होंगे, दूर इंसिडेंट होंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं और जाकर के काटेंगे, कहीं और जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो डिफरेंट पॉइंट पर वो लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है स्फेरिकल एवरेशन। स्फेरिकल एवरेशन का मतलब यह है कि जितनी भी लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल आती हैं वो एक पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, तो उसको कहते हैं स्फेरिकल एवरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पैरेक्सियल रे का कंडीशन रख दें, सबके लिए जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखेंगे, तो जरूर जाकर के एक पॉइंट पर मिलती हुई लगेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए अगर पैरेक्सियल रे होंगी मतलब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा, तब जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसमें पैरेक्सियल रे के बारे में हमने क्या समझा कि पैरेक्सियल रे क्या होता है, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि पैरेक्सियल रेस आर दोज इंसिडेंट रेस विच आर इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस तब होता है जब पोल के करीब, पोल के बिल्कुल पास में इंसिडेंट होंगे, है ना। सो
बीच लाइट रेस These light rays are incident very close to pole of the mirror or pole of the lens. Pole of the mirror or pole of the lens. साथ में यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है कि all the formulas and derivations in geometrical optics are done for paraxial rays. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. जितने भी हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे ये मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सारे पैरेक्सियल के लिए वैलिड होते हैं. आईटीजेई में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें लाइट रे पैरेक्सियल नहीं हो, है ना, क्योंकि आईटीजेई में कुछ ऐसी चीजें, अजीब सी चीजें पूछी जाती है. ठीक है, इसीलिए ये बताने की जरूरत पड़ी. हो सकता है कभी आपसे कह दिया जाए कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है काफी बड़ा है ना, उस केस में आप उस पॉइंट को लोकेट करें. जैसे मैं कहता हूं कि ये एक कॉनकेव मिरर है ना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक लाइट रे आया पैरेलल. सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है. पूछा जाएगा कि अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, है ना. आप ज्योमेट्री लगाकर देखेंगे, है ना, ज्योमेट्री लगाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल पोल से होकर के जाएगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है ना. अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, है ना. अब देखेंगे कि ये जो है ये नॉर्मल है. ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट सी हो गया और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते पॉइंट एम है, यहाँ पर पोल है. ठीक है, तो सी एम जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा, है ना, ये पी पोल को कह देते हैं, और सी पी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा. यानी अगर एक मैं ट्रायंगल देखूं सी एम पी, तो इसमें दो साइड्स इक्वल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल है, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल तो बन ही गया. आइसोसेलस बन गया तो क्या होगा, जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे. जैसे आर इसके सामने 60 डिग्री है तो इसके सामने भी ये 60 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया. अब ज्योमेट्री लाकर अप्लाई करके चेक करेंगे, है ना. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हुआ, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हुआ, तो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो पोल पर टकराएगा, पोल को क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, यहां से फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे कि फोकस जो है एफ इजिकल टू आर बाई टू है, मतलब पैरेलल जाने वाली लाइट जो है वो आर बाई टू पर काटेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो गलत हो गया वो, है ना, वो तो बिल्कुल पोल पर जाकर काट रहा है और पोल पर फोकस तो होगा नहीं, है ना. चूंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है इसलिए वो रूल फेल हो गया जो हम लोग एफ इजिकल टू आर बाई टू डिराइव करते हैं, क्योंकि वो केवल पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है, केवल स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वैलिड है ना. तो ऐसी चीजें घुमा घुमा कर आईटीजे में पूछी जाती जाती रही है पहले भी और आगे भी पूछी जाती रहेगी, है ना. इसलिए ये जानना जरूरी था कि पैराक्सियल रे होता क्या है.